इस वजह से वो नहीं आ रहे। बिल्कुल भवानी, मैं रोक रही हूँ आपको। इस बीच बड़ी खबर, जिस तरीके से पीएल पुनिया को हम सुन रहे थे, सचिन पायलट अब बीजेपी में है। पुनिया का यहाँ पर एक बड़ा बयान, जिसकी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि एक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात, 40 मिनट की वो मुलाकात महत्वपूर्ण। उसके बाद ओम माथुर से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, बड़े नेता से मिल सकते हैं, जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बड़ा बयान, उन्होंने कह दिया कि वो अब बीजेपी में है। तो बड़ा बयान पीएल पुनिया की तरफ से दे दिया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी में है। लीजिए अनुराग, यानी यहाँ पुनिया साहब कह रहे हैं कि अब दामन जो है वो थाम लिया है बीजेपी का पायलट ने। देखिए, ये उसी तरफ इशारा है जो मैं कह रहा था कि पार्टी रीच आउट करेगी सचिन पायलट को या डिसओन कर देंगे उनको। और अगर पीएल पुनिया ये कह रहे हैं कि वो अब बीजेपी में है, तो इसका मतलब एक पूरी लॉबी कांग्रेस में ये तय कर चुकी है कि सचिन पायलट को डिसओन कर दिया जाए, उनको सर्कल से बाहर कर दिया जाए, उनके बिना राजस्थान में सरकार बना करके रखी जाए। शायद इससे सचिन पायलट के लिए फैसला आसान हो जाएगा कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसके बाद जब पार्टी ये कहने लगे कि आप पार्टी में नहीं हैं, आप पार्टी से बाहर हैं, तो साफ तौर पर रास्ते दरवाजे बंद हो गए, नेगोशिएशन के दरवाजे बंद हो गए। अब पीएल पुनिया जो स्पोक्स पर्सन भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं, बिना पार्टी हाईकमान की सहमति के इस तरह का बयान नहीं दे सकते, जिसका सीधे मायने ये कि पार्टी की तरफ से अब नेगोशिएशन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। या तो सचिन पायलट बिना शर्त मीटिंग में पहुंचे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुराग, मुझे तो यहाँ ये संभावना भी कांग्रेस की तरफ से मिटती हुई दिख रही है कि अब उनके आने की कोई गुंजाइश भी बचती है या कोई प्रयत्न भी किए जाएंगे। पीएल पुनिया ने कहा क्या, कहा जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति, वो सबको जाहिर है। तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सम्मान होता है, उसकी सुनिश्चित किया जाता है। तो पीएल पुनिया स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ हैं। क्या कहा जरा सुन लीजिए गौर से एक बार फिर। देखिए, सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति, वो सबको जाहिर है। तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सम्मान होता है, उसकी सुनिश्चित किया जाता है। शेष नारायण जी, यहाँ पर ये प्राथमिकता रही नहीं कांग्रेस पार्टी में कि इतने बड़े नेता को बचाना है, या सरकार बचाने में लगे रहे और सचिन पायलट को पीएल पुनिया कह रहे हैं वो चले गए बीजेपी में। ये इनकी, ये कांग्रेस का मेरे हिसाब से स्मार्ट, कांग्रेस का मेरे हिसाब से स्मार्ट मूव इसका क्लेम कर रहे हैं। उनको मैसेज दिया गया सीधा सीधा कि भाई अब तुम देख लो, वो तो गए, और अगर तुम उनके साथ जाते हो तो बाय इलेक्शन तुमको लड़ना पड़ेगा, सीधा तुमको लड़ना पड़ेगा, सीधा मैसेज ये। और अब उसमें देखना है कि उनके 30 में कितने जाते हैं, कुछ लोगों को टिकट दिलाया था। और ये बात आप एकदम गौर रखिएगा कि वो इतने बड़े नेता नहीं है कि एमएलए की सीट जो इतने मुश्किल से मिलती है लोग छोड़ के चले आएंगे। मुझे लगता है कि अब बीजेपी ने सबको सेट कर दिया है, अब अगले चुनाव के लिए तैयारी होगी। और इसमें तो ऐसा मुझे साफ लग रहा है कि 30 लोगों को तोड़ पाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा बताया वो पर्यटन मंत्री वगैरह तक तो ठीक है, बाकी जो लोग सड़क मार्ग से चल पड़े हैं, जो यहाँ गुड़गांव में रुके थे, तो अगर वो कुछ लोग भी पहुंच रहे हैं तो जाहिर है सरकार नहीं जा रही। 30-35 लोगों को तोड़ना बहुत बहुत बिल्कुल